उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को देख रहे हैं। सर, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वार प्रतिवार हो रहा है, अखिलेश यादव जयंत चौधरी दोनों जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इधर आप भी मैदान में हैं, क्या क्या इरादे हैं? देखते जाओ, जो आप वातावरण देख रहे हो ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक पक्षीय चुनाव होगा और लोग लीक से हटकर बीजेपी के समर्थन में आएंगे और पिछली पुनरावृत्ति फिर से होगी। पिछली बार के जो गठबंधन थे, महागठबंधन थे, दो आदरणीय लड़कों के गठबंधन थे, आदरणीय बहन जी के और उत्तर प्रदेश के एक युवा नेता का गठबंधन था, अब के एक नया गठबंधन हो रहा है। ये गठबंधनों के दौर में पराजय की कथानक कथा लिखी जा रही है और हर बार जो गठबंधन करते हैं उससे और अधिक बुरी हार हारते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर उससे बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उससे ज़्यादा बड़ी हार हारे, अब की तीसरा गठबंधन किया है, अब उन दोनों गठबंधनों से ज्यादा बुरी हार हारने की तैयारी है। अखिलेश यादव के दो अनुभव फेल हो चुके हैं, तीसरा अनुभव है ये, क्या कहते हैं आगे की राजनीतिक राह क्या होगी? बताता हूँ कि आगे की राह बड़ी कठिन होगी। देखिए, दिनेश शर्मा जो यहाँ मुरादाबाद में डोर टू डोर कंपेन करने के लिए आए हैं और उसके साथ ही वो जो वोटर हैं उनसे बात करेंगे। इनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव दो गठबंधन पहले कर चुके हैं, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ, दोनों गठबंधन चुनावी फेल हुए हैं और ये तीसरा गठबंधन भी फेल होने जा रहा है। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।